हम डरने वाले लोग नहीं है, हम तो फाइटर लोग हैं, हम आए ही जेल, हमें भेज दो, जेल भेज दो, नाखून कटा के ना शहीद मत बनिए। प्रियंका जी आपको मैंने प्रियंका जी नाम का आरोप लगाया उसके साथ शुरुआत की, जबरदस्ती का शहीद बन रहे हैं आप। तो लाल डायरी पे बनता है आज, तो आपने लाल ड्रेस पहनी हुई है तो ये राजस्थान में ठीक है। अरे हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिखता है? अंजना जी मेरे कपड़े के रंग से आपकी जिंदगी नहीं संवरेगी। ऐसा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं, मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। और जब तक कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए आप। नहीं नहीं मुझे, मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा, कॉमेडी शो तो कॉमेडी। क्या है आपके कपड़े का रंग लाल है, ये क्या होता है? आलोक जी कपड़े का रंग लाल है, लाल डायरी पे शो कर लीजिए, मर्यादा के अंदर है कि अब बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। इलाज नहीं है आप लोगों का, कोई इलाज नहीं आलोक जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का वाहवाही भी नहीं है लस्ती। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके चैनल जलीम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और आलोक शर्मा की बड़ी अच्छी खासी बैंड बजा दी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के मंत्री न्यूज़ चैनल पर आकर बोलते रहते हैं कि अगर हमारा गठबंधन हो गया तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी पर आज डिबेट चल रही थी, डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बड़ी अच्छी तरीके से बैंड भी बजा दी। तो आज की ये वीडियो बड़ी फनी एंड मजेदार होने वाली है, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी को यह धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे, तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। फिर आरोप है, आतिशी जी को बताना चाहिए ना कि किसने ये कहा है, ये किसकी तरफ से आया है, ये संदेश कोई हवा में तो आया नहीं होगा, मोबाइल पे आया होगा तो मोबाइल नंबर होगा, व्यक्ति ने दिया होगा तो व्यक्ति का नाम होगा, कुछ तो बताइए डिटेल्स, वरना कौन विश्वास करेगा, फिर तो लगेगा कि ऐसे एक के बाद एक आ ही रहे हैं नोटिस, झूठ बोला जा रहा है। अंजना जी इतने शातिर क्रिमिनल लोग हैं भाजपा में कि आपको लगता है वो इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगे कि डायरेक्ट फोन कॉल करेंगे? हमने तो जब पिछली बार इनका स्टिंग करके पकड़ा भी था शेर सिंह डागर को, उसका यूट्यूब पे डाला भी था, तब क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई? ये कोई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो इनके पास है, ये एक जांच होने नहीं देते। पर मीडिया के जरिए तो खुलासा कीजिए ना, आप देखिए आदर्श स्कैम वाले घोटाले में क्या बोला, आप मीडिया के जरिए खुलासा कीजिए ना, अभी हम लोग चलाएंगे नाम मीडिया के जरिए, भी नाम तो चला सकते हैं ना आदमी का जिसने भी बात की हो। मैं आपको एक नाम दे रही हूं, पहले ये आप मैं एक नाम दे रही हूं शेर सिंह डागर का, आप चलाइए पहले इस पे, पूछिए क्या कार्रवाई हुई, आप मैं मान जाऊंगी आपकी बात, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके कार्यकाल में पूछा गया था कि अगर आपको एक चीज ठीक करनी होगी आपने क्या गलत किया, तो उन्होंने कहा कि मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाया, आपको ध्यान होगा ये इंटरव्यू। तो वो लगातार मीडिया भी दबाव में रहता है हम लोगों के ऊपर, तो हम डरने वाले लोग नहीं है, हम तो फाइटर लोग हैं, हम आए ही जेल, हमें भेज दो, जेल भेज दो, नाखून कटा के ना शहीद मत बनिए। प्रियंका जी आपको प्रियंका जी नाखून कटा के शहीद मत बनिए, हम लोगों ने बुलेटिन की शुरुआत ही की आतिशी जी के बाद से। मनीष सिसोदिया एक सेकंड, नहीं नहीं प्रियंका जी, आप प्रियंका जी हम लोगों ने किस खबर से शुरुआत की, हमने आतिशी के आरोप से ही तो शुरुआत की, आतिशी जी ने बतौर मंत्री जो आरोप लगाया उसके साथ शुरुआत की, जबरदस्ती का शहीद बन रहे हैं आप। मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्या देश में नहीं हो गई है? क्या ये विपक्षी गठबंधन जो अरविंद केजरीवाल जी की टैगलाइन थी एक वक्त पर कि सब मिले हुए हैं जी, वो आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके? देखिए मोदी जी को रोकने की कोई बात नहीं है, हम तो मोदी जी की पॉलिसीज से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे, अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो। सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक, एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए, वो लाल डायरी मिली कि नहीं मिली, तो मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। के लोग छीन के ले गए थे विधानसभा से, बात है मुझे शर्मा जी, मोदी जी, जी, जी शर्मा जी मोदी जी लाल डायरी आप ही के लोग विधानसभा से छीन के ले गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो उनकी सरकार है, ये मैं मोदी जी का भाषण MSP पे सुनवा रहा हूँ, मीडिया के साथ ही तो चलाते नहीं है। रुक तेरे को बता देती, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है, आज तो आपने लाल ड्रेस पहनी हुई है तो ये राजस्थान में ठीक है, वो लाल डायरी चली गई, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शो तो उसपे भी बनता है। कपड़े का रंग आपको दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिखता है? मीडिया के साथियों ने हमसे
सवाल पे सवाल, क्यों ना पूछे, सवाल क्यों ना पूछे, जो विधानसभा में लाल डायरी छीनी जा रही है, लाल डायरी ढूंढ के लाओ, अरे हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिख रहा है अंजना जी, वो लाल लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बताइए ना, उस पे आइए ना सर, असल इश्यूज पे आइए, मेरे कपड़े के रंग से आपकी जिंदगी नहीं संवरेगी। ने लाल डायरी का जिक्र किया, मैं फिर कहूंगा अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए, एक FIR तो बनती होगी कहीं ना कहीं, एक उस लाल डायरी को ढूंढने के लिए एक छोटा सा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं, मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। खैर आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा होता है, और जब तक कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए आप। नहीं नहीं मुझे, मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा, कॉमेडी शो तो कॉमेडी, क्या है आपके कपड़े का रंग लाल है ये क्या होता है आलोक जी, कपड़े का रंग लाल है इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए, ये क्या तमाशा है। केवल ये कहा, डोंट डू दिस, इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट कि लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं, ये तरीका नहीं होता है बात करने का, प्लीज मर्यादा के अंदर है कि आप बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, इशू पे रहिए आप, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था आप उस पर जवाब दें, और लाल डायरी पर जितने शोज करने थे किए हैं क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी की खींचा तीनी विधायकों के बीच में चल रही थी, जवाब दीजिए सवाल का। राजस्थान में आप कीजिए ना शो उसके ऊपर, ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं मैं, केवल ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर NDA के अंदर क्या वहां पर गठबंधन हो गया है, क्या UP में NDA का गठबंधन हो गया है, क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है, उसके ऊपर एक शो कीजिए ना, केवल और केवल आम आदमी पार्टी एक साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन हो गया, तो तमाम सवाल उठेंगे। आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें, आप बताइए ना, आपका कोई इलाज नहीं है, तक एक मीटिंग नहीं, आप लोगों का कोई इलाज नहीं आलोक जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का वाहवाही भी नहीं है, अनेकता में एकता दिखी हम लोग लिख रहे हैं ऊपर में, ये भी आपको हजम नहीं हो रहा है, आप लोगों के साथ दिक्कत यही है, दिक्कत है कि न्यूज पर अगर कुछ भी उस दिन की घटनाओं पर चर्चा की जाए तो आपको अनपच हो जाता है। अरे क्यों नहीं करेंगे, हम लोगों ने दिखाई रिपोर्ट में कि शिंदे गुट के सांसद कह रहे, नहीं आवाज नीचे कीजिए आलोक जी, अब आपको सुनना होगा, आपने बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया, मेरे के कपड़े के रंग तक आप उतर गए, अब आप सुनेंगे, अब मैं बोलूंगी, अनेकता में दिखने लगी एकता, ये टॉप बैंड है, जब आपकी एकजुटता हुई है, सीट शेयरिंग हुई है, तो उस पर आज चर्चा हो रही है एक घंटे की। जो आपने कहने का प्रयास किया, हमारे किसी चीफ मिनिस्टर ने आपके राजस्थान के CM ट्रे नहीं कहा मैं जादूगर हूं, मैं तो पेपर लीक के ऊपर किसी ने जादूगर शब्द नहीं बोला, और आपको बता दूं वो लाल डायरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजेंद्र गुड़ा उस समय मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर का बयान फ्लोर ऑफ द हाउस पे है सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, और जैसी खींचातानी हुई उसके बाद धक्का मुक्की, और मान्यवर आप वरिष्ठ व्यक्ति है, क्या बचकाना बयान दे रहे हैं, सदन के पटल पर दिए गए बयान पे FIR हो सकती है क्या, यह संविधान के द्वारा संभव है क्या, एकदम आके कुछ भी बोलने लगना, FIR करवा चुरा के घसीट के वो लोग ले गए सदन के पटल पर, सरकार के मंत्री ने, क्योंकि वो बर्खास्त बाद में हुए, शाम को जिस समय बोला उस समय कैबिनेट मंत्री थे, और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, फूहड़ता की आज पराकाष्ठा इन लोगों में आ गई है, और मैं काम पे बता देना चाहता हूं, ए भदौरिया जी आप भी सुन लीजिए, आलोक जी हम भी सुन लीजिए, काम वो हुआ है कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ घरों में नल मिला है, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी पहुंचा है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने, और सुनिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश बने, और इतना ही नहीं है आप ये भी समझ लीजिए G20 और G7 में सबसे हाईएस्ट रेट वाले बने, और सुनो भाई तो रोजगार पर भी सुन लो, जब आपकी सरकार आई थी तो 11 करोड़ EPFO अकाउंट है, 27 करोड़ EPFO अकाउंट है, और किसानों पर सुन लो 5,50,000 करोड़ रुपए का कुल MSP दिया था मनमोहन सिंह की दो सरकारों ने मिलकर, मोदी जी ने 18,39,000 करोड़ रुपए का दिया है, 3.5 करोड़ से अधिक दिया मेरे भाई, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन लोगों की परेशानी यही है क्योंकि इन लोगों पे कुछ भी सवाल पूछ दिया जाए तो इनको लगता है कि मोदी मीडिया हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सीधा कोई अगर डायरेक्ट कोई सवाल पूछ लिया जाए तो इनको लगता है कि मीडिया हमारे बस में है नहीं, और आलोक शर्मा की तो हर चैनल पर यही दिक्कत है, वो हर मीडिया को गोदी मीडिया बनाने लग गए हैं। वैसे आप लोगों की इन लोगों के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।